दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 28 सितंबर 2023 गुरुवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। पांच विभागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है, जिनके लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर CRPF, इंडियन नेवी, UPPSC, NHM हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 28 सितंबर 2023 की पांच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। कॉन्स्टेबल GD की पोस्ट है। टोटल 129,929 वैकेंसीज है। इसमें मेल के लिए 125,262 वैकेंसीज है, जबकि फीमेल के लिए 4,667 वैकेंसीज निकली है। बात अगर डेट की जाए तो इसके लिए आवेदन अक्टूबर से शुरू होंगे, लास्ट डेट नवंबर 2023 में है। सैलरी 21,769 है। Level 3 के अंतर्गत प्रति माह के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC या EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आपको जमा करनी होगी। SC ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। CRPF.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली नवल शिप रिपेयर यार्ड में। इंडियन नेवी के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्ती निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। 240 वैकेंसीज निकली है। आवेदन इसके लिए भी अक्टूबर से शुरू होंगे, लास्ट डेट नवंबर 2023 में है। सैलरी 7,700 से 8,050 है। 10वीं पास ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 14 से 21 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। मेरिट लिस्ट, रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। indiannavy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग UPPSC के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट केमिस्ट, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर और प्रोफेसर की। 84 वैकेंसीज यहाँ पर इसमें निकली है। आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं 26 सितंबर 2023 से, लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 26 अक्टूबर है। हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट 2 नवंबर 2023 है। सैलरी आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री, मास्टर डिग्री, मेडिकल डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 50 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC EWS के लिए 105 है। SC ST के लिए 65 है। PH कैंडिडेट्स के लिए ₹25 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान से भी पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। UPPSC.UP.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें फोर्थ नंबर की जॉब निकली है वो निकली नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM पंजाब में। योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। 316 पद है। मेल के लिए 158 और फीमेल के लिए भी 158 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए आप 3 अक्टूबर तक कर सकते हो। इंटरव्यू की डेट 10 से 11 अक्टूबर है। रिजल्ट की डेट 16 अक्टूबर 2023 है। सैलरी मेल योगा इंस्ट्रक्टर के लिए 8,000 है, फीमेल के लिए 5,000 है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 45 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है।
nhm.punjab.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5-4 लास्ट नंबर की जॉब निकली है, वो निकली है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संचालनालय के अंतर्गत ये भर्ती है। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, 434 वैकेंसीज है। 5 अक्टूबर तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। JNM BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 42 वर्ष आयु सीमा है। फीस OC कैंडिडेट के लिए 500 है, ST BAC PH कैंडिडेट के लिए 300 रुपये है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। मेरिट से चयन होगा बिना एग्जाम के, यहाँ पर ये भर्ती निकली है। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश AP जॉब लोकेशन है। cfw.ap.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 28 सितंबर 2023 गुरुवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको विभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर आपको सभी भर्तियों के प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।